ये क्या हो रहा है? उठो यहां से, ये मेरी जगह है, मैं हमेशा इसी कुर्सी पे बैठ के खाना खाती हूँ, तुम किसी और कुर्सी पे बैठ जाओ। बच्चिया बेटा तुम कहीं और बैठ जाओ, तुम तो हमेशा मेरे पास बैठती हो, आज किरत को बैठ जाओ। मगर अम्मा जी, नानी जान, अम्मी भी मुझे इसी तरीके से अपने पास बैठ के खाना खिलाती थी। बेटा मैं तुम्हें शायद तुम्हारी माँ की तरह प्यार तो ना दे सकूं, लेकिन आयशा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मुझे याद है आयशा को बिरयानी कितनी पसंद थी, और छुट्टी वाले दिन वो आपसे बिरयानी बनाने की फरमाइश करती थी। हाँ बेटा, आज मैंने खाना आयशा की पसंद का ही बनवाया। बहू आज खाना मस्जिद में भिजवा देना। चलो बेटा खाना शुरू करो, देर हो रही है। आपकी गोद में सर रख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अम्मी की गोद है। तुम दोनों जब नानी जान कहती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तो सब अम्मा जी के रिश्ते से पुकारते हैं, छोटे बड़े सबकी अम्मा जी। आप में शफकत भी तो इतनी है। अच्छा मैं नमाज पढ़ लूं, फिर तुमसे ढेर सारी बातें करूंगी। मैं जाए नमाज बिछा दूं? पहले वजू तो कर लेने दो। अम्मा जी, या अल्लाह लाइट क्यों चली गई? कौन कौन है? एक तो ये घर वाले भी ना। वजिया की कजन। वेल, बंदा नाशी इसको आशिर कहते हैं। मैं उसकी खाला का बेटा। आपका नाम? नानी जान। नानी जान? इतनी प्यारी लड़की का नाम नानी जान। शांजे, शांजे बेटा। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आए?
बस सुबह आया था। अच्छा अच्छा बेटा, ये आशिर बहुत ही प्यारा बच्चा है और ये हमारी आयशा की बेटी है शान से। बेटा ये फिरत कहाँ है? जी वो नानी जान के साथ होगी। अच्छा अच्छा, वो किसका फोन आ गया? आई नीड टू टेक द कॉल। बेटा अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम भी आपकी तरह हसीन है। समझा अम्मा जी हैं। मैं आपको अम्मा जी नजर आ रही हूँ। महद। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। किरत से मिले? जी अभी अभी मिला। बेटा चादर देना। दुपट्टा कैसे पहनूं? अरे आपने अपनी दवाई ली? क्या बताऊं तुम्हें, जब से ये दोनों मुसीबतें लड़कियां मेरे घर में आई हैं, मुझे तो अपना घर ही अजनबी लग रहा है। ये भला क्या बात हुई? वो घर आपका और आपके बच्चों का है, अजनबी तो आयशा की बेटियां हैं। बस रहने दो, सारा दिन मेरे घर में दंदनाती फिरती हैं, जैसे इनके बाप का घर हो। और तो और वजीहा को अपना रूम भी शेयर करना पड़ रहा है। तुम तो जानती हो मेरी बेटी को कहां आदत है इस तरह शोर शराबे में रहने की। हाँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अभी तो वजिया को सिर्फ रूम शेयर करना पड़ रहा है। अगर ये लड़कियां इसी तरह आपके घर रहीं तो न जाने क्या क्या शेयर करना पड़े। अभी उन्हें आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, तुम्हारे भाई के मुंह पर और अम्मा जी की जुबान पर हर वक्त शांजी और किरत का ही नाम है। आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि अम्मा जी और सुल्तान भाई की सारी मोहब्बत और तवज्जो ये लड़कियां ले लें और आप लोग देखते ही रह जाए। बस वजिया को भी अच्छी तरह से समझा दें, इन लड़कियों को ज्यादा मुंह ना लगाएं। वजीहा को तो इन दोनों का जिक्र भी पसंद नहीं है। इन यतीम लड़कियों से हमदर्दी है तो सिर्फ उनकी नानी जान को और मामू को है। हमें फलाही काम करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कुछ ऐसा काम करें कि ये लड़कियां खुद यहाँ से चली जाए। क्या करूँ यही तो समझ नहीं आ रहा, अम्मा जी ने एक अजीब अजाब डाल दिया मेरे सर पर। अच्छा आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। ये तो बताएं कि आशिर कहाँ है, अभी तक घर नहीं पहुंचा। फहद के साथ है, तुम फिक्र मत करो आशिर की। फिक्र क्यों करूंगी मैं, मुझे मालूम है कि अपनी खाला के घर है, इसी वजह से तो इत्मीनान रहता है मुझे। क्या हो गया? ये ड्रेसिंग टेबल मेरी है, अपनी चीजें उठाओ वापस बैग में रखो। देखो वजीहा, ये चीजें मेरे यूज की हैं, मैंने बार बार बैग से नहीं निकाल सकती। ये मेरा हैरिक नहीं है। हम अपनी चीजें उठा लेते हैं, बैग में रख देते हैं, जब यूज करनी होगी तो निकाल लेंगे। मगर आप ही कह रहा क्या हो गया? तुम क्या वाकई पागल हो? ये मेरा बेड है। अब देखो, अगर इस कमरे में मैंने तुम दोनों बहनों को रहने की इजाजत दे दी है तो ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि जो तुम लोग चाहोगे वही होगा। ये मेरा कमरा है और इस बेड पर मैं सोती हूँ। आप दोनों नीचे फर्श पर बिस्तर बिछाइए और सो जाइए। गैरम देखो वजीहा, मुझे बेड पे सोने की आदत है,
मैं फर्श पर नहीं सो सकती, आप ही, मैं बेड पर ही सोऊंगी। देन अगेन ये मेरा हेडेक नहीं है। किरत, हम यहाँ सो जाते हैं। ठीक है, आप सुने इसकी बातें, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये तुम्हारी बहन पागल तो नहीं? कौन है, आ जाओ। बेटा तुम सोई नहीं? नानी जान, मुझे फर्श पे सोने की आदत नहीं है, मुझे नींद नहीं आती फर्श पर। अरे तो बेड पे सो जाओ, बचिया के कमरे में तो अच्छा खासा बड़ा बेड है। उसका बेड तो बड़ा है लेकिन दिल बहुत छोटा है। पता नहीं कैसी होती जा रही है ये लड़की, पहले तो ऐसी जिद नहीं करती थी। मैंने उसे समझाया भी कि मेरी आदत है बेड पे सोने की, लेकिन चलो ऐसा करो तुम मेरे पास सो जाओ, सुल्तान से कहूंगी अपनी लाडली की अच्छी तरह खबर ले। मैं आपके पास सो जाऊं? हाँ हाँ बेटा, कोई हर्ज है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नानी जान, एक बात कहूं? कहो बेटा। आपके पास से बिल्कुल अम्मी जैसी खुशबू आती है, ऐसा लग रहा है जैसे अम्मी के पास लेटी हूँ मैं। आप बिल्कुल अम्मी जैसी हैं। चलिए अरफाद, मैं निकलता हूँ, बहुत लेट हो गया। हो गया भाई, एंड चल रहा है, देख के जा। एंड क्या होना यार, पुलिस ऑफिसर लड़की को बता देगा कि उसके बाप का कत्ल उसके भाई ने किया और वो उससे शादी कर लेगा, दैट्स इट। तुझे कैसे पता? तीन बार देख चुका हूँ यार, तेरा दिल रखने के लिए देख रहा था। कमाल है, बहुत शुक्रिया आपका और एंड बताने का भी। आशिर, चाय भिजवाऊं? नहीं खाला जान, मैं निकलता हूँ, काफी लेट हो गया हूँ। बेटा इतनी रात को, सुबह से ले जाना, रात यहीं रह जाओ। ठीक ही तो कह रही है, रुक जाना, सुबह चले जाओ। ठीक है, फिर आप अम्मी को फोन करके बोल दें। अच्छा, मैं फोन कर देती हूँ। और चाय के साथ कुछ चाहिए? नहीं नहीं कुछ नहीं। कोई और मूवी लगाना यार। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? नहीं जगा आप, रात भी चली गई, प्यास भी लग रही है, क्या करूं? क्या कर रही हैं आप? खुद भी डर रही हैं और मुझे भी डरा रही हैं।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेलने आया हूँ। मैं भी इंसान, मुझे भी प्यास लग सकती है, पानी पीने आया था। लाए, दे। क्या? पानी की बोतल। और ग्लास कौन देगा मुझे? आप खुद ले लीजिए। एक तो अम्मा जी हर शिकायत आपसे लगा देती है, ये बात मुझसे भी तो कर सकती थी। क्यों? अगर मुझे कह दिया तो क्या हुआ? शांजे और किरत अब इस घर में रहेंगी। अब अजिया को समझाओ कि उनके साथ दोस्ती करके रखे, परेशान मत करे उन्हें। मम्मी, मैं ये मंगनी नहीं करना चाहता। अम्मा अब नाश्ता ले भी आओ, कितना टाइम लगाओगी? ये ले, सबर करना तो तूने सीखा ही नहीं है, कर नाश्ता। इतनी बदमजा चाय, इससे अच्छी तो शान से बनाती थी। बड़ी याद आ रही है उन दोनों की। वैसे एक बात है अम्मा, उन दोनों के जाने से घर कितना सूना सूना हो गया। सूना सूना नहीं हो गया बेटा, सुकून हो गया है घर में, जान छुटी उन दोनों से। रहने भी दो अम्मी, दोनों में से किसी एक को बहू बना लेती तो क्या हो जाता? वैसे भी शांजे जैसी लड़की किस्मत से मिलती है। हमें नहीं चाहिए ऐसी किस्मत। शांजे को तू कम समझ रहा है क्या? बड़ी घुन्नी है वो, और तू फिकर क्यों कर रहा है? तेरे लिए लेकर आऊंगी ना चांद सी दुल्हन किसी बड़े घर से। ख्याल आया था मेरे दिमाग में। अब क्या सोच लिया? मैं सोच रही हूँ कि दोनों लड़कियों वाला हिस्सा किराए पर दे दूँ, आमदनी भी होगी और दिल भी लगा रहेगा। तू क्या कहता है? नहीं अम्मा, किराएदार तो घर का हशर कर देंगे। मैं तो कहता हूँ इस घर को बेच के किसी बड़े से इलाके में घर लेते हैं। किसी बड़े से इलाके में घर लेते हैं? बड़े लाखों रुपया कमा के तूने मेरे हाथ पे रख दिया है ना, जो मैं घर खरीद लूंगी। चुप करके नाश्ता कर, और कोई अच्छा किराएदार हो ना तो मुझे बताना। एक तो अम्मा जो तुम सोचती हो ना वही करती हो। अच्छा बोल दूंगा अपने दोस्तों में, जिसको चाहिए होगा ना वो बोल देगा। एक और भी ख्याल आया है मेरे दिमाग में। मम्मी सुकून से नाश्ता तो करने दो, वैसे आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत स्पीड से नहीं चल रहा। चुप करके नाश्ता कर। आया बड़ा बहुत सुकून मिल रहा है, जीती रहो खुश रहो बेटा। अच्छा नानी, मुझे अम्मी के बचपन के बारे में बताइए, मतलब वो कैसी थी, क्या करती थी, शरारती थी? बस बेटा यूं समझो कि तुम हो बहू उसका बचपन हो और शांजे जवानी। बचपन में बहुत शरीर होती थी, सुल्तान को बहुत परेशान करती थी, कभी एक फरमाइश कभी दूसरी फरमाइश, बहुत नखरे उठाता था। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। तुम गए नहीं था आपको? नहीं अम्मा जी, खाला जान ने रोक लिया था। चलो ये तो अच्छा किया तुमने। नहीं अम्मा जी, रात को रुक कर ही तो मैंने अच्छा नहीं किया। अच्छा अम्मा जी मुझे एक बात बताएं, क्या मेरी शक्ल किसी भूत से मिलती है? अरे नहीं बेटा, किसी ड्रैकुला से? ये क्या होता है? नानी ड्रैकुला भी भूत की तरह होता है, खतरनाक। You are right. अरे नहीं बेटा, तुम तो बचपन से इतने प्यारे हो, अल्लाह नजरे बद से बचाए। थैंक यू सो मच। लेकिन वो क्या है ना, कुछ लोग इतने मासूम होते हैं, अच्छे खासे हैंडसम बंदे को देखकर भी ना डर जाते हैं, है ना? मैं आती हूँ।
Well, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बिल्कुल ठीक। थैंक यू। अम्मा जी बता रही थी कि वजिया ने कल रात किरत को सोने नहीं दिया। वजिया को समझाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक तो अम्मा जी हर शिकायत आपसे लगा देती है, ये बात मुझसे भी तो कर सकती थी। क्यों, अगर मुझे कह दिया तो क्या हुआ? शांजे और किरत अब इस घर में रहेंगी। वजिया को समझाओ कि उनके साथ दोस्ती करके रखे, परेशान मत करे उन्हें। लेकिन वो तो उनकी परेशानी कम करने के बजाय परेशानी बढ़ाने पर तुली हुई है। इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात है? आप जानते हैं वजिया को, वो अकेली रही है, कभी उसने अपनी कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं की, उसे आदत नहीं है। अगर आदत नहीं है तो आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों भी अब इस घर की बच्चियां हैं। अच्छा अच्छा, आप परेशान मत हो, वजिया को थोड़ा टाइम दें, एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो उसे लगेगा ना, सब ठीक हो जाएगा, बस आप परेशान मत हो। खुदा हाफिज़। दोनों को आए हुए देर ही कितनी हुई है, अभी से आग लगाना शुरू कर दी और पता नहीं क्या करेंगी ये लड़कियां। अम्मी मेरी पिंक कलर की शर्ट नहीं मिल रही, आपने कहीं देखी है? वजीहा, कल रात किरत को तुमने अपने रूम से निकाल दिया था। ओह, तो आपको खबर मिल गई? हाँ मैंने निकाला था, मैं आपसे पहले कह चुकी हूँ कि मैं अपना बेड किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अम्मी तुम्हें मालूम है तुम्हारे पापा कितना नाराज हो रहे थे? पापा को क्या हो गया, वो पहले तो ऐसे कभी भी नहीं थे। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, अब वक्त और हालात वो नहीं है। तुम्हारे पापा के दिल में उन दोनों लड़कियों के लिए बहुत हमदर्दी है, कहीं तुम्हारे इस रवैये की वजह से वो दोनों तुम्हारे पापा और अम्मा जी की मजीद हमदर्दियां ना हासिल कर लें, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यार ये अजीब टेंशन शुरू हो गई है। कहां यार, मैं तुम्हारे साथ इतनी लकी कहां, शॉपिंग तो दूर की बात, फालतू तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। तुम्हारा मंगेतर अच्छा है, एटलीस्ट तुम्हें शॉपिंग तो करा देता है। एमल, अच्छा, एमल। मानूर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एमल, आशिर के बारे में कुछ पता है, वो खाला के घर से आया कि नहीं? नहीं अम्मी, अभी तक नहीं आया। अरे तो फोन करो, मालूम करो कहाँ रह गया, और उसे कहो कि जल्दी घर आए। अम्मी क्यों ना हम खाला जान के घर चलें, कितने दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे मिल भी लेंगे, और सुना है कि उनके फूफो की बेटियाँ आई हुई हैं, हम उन्हें देख भी लेंगे। हाँ अच्छा आइडिया है, तो चलो तैयारी पकड़ो चलते हैं। हिमल आएगी इस घर में तो मुझे भी कुछ आ रहा। फहद जी, मैं सोच रही हूँ कि कुलसुम को मैं तुम्हारी मंगनी की तारीख दे ही दूँ। अम्मी मैं मंगनी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं कर सकते? अम्मी मुझे कोई नौकरी तो मिलने दे पहले। अल्लाह ने चाहा तो नौकरी भी लग जाएगी, बस तुम मंगनी के लिए तैयार हो जाओ, मैं आज ही कुलसुम से बात करती हूँ। इतनी जल्दी क्या है, मुझे नहीं करनी अभी शादी। बेटा मैं कब कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो, मैंने तो सिर्फ मंगनी का कहा है। मैं आपको जानता हूं, मंगनी के बाद आप शादी के पीछे पड़ जाओ। एक दिन तुम्हारी शादी तो करनी है ना इमल से, फिर इसमें बिगड़ने वाली कौन सी बात है? लड़के तो शादी के नाम पर खुश होते हैं, और एक तुम।
जरा भी माँ की खुशी का एहसास नहीं है तुम्हें। मैंने कब शादी से मना किया है? सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी नहीं करनी मुझे शादी। तुमने तो बस ना की रट लगा ली है। अरे बेटा, औरत के नसीब से अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। तो उसके पास जा रहा हूँ काम से, रात में देर से आऊंगा। आजकल की औलादें बहुत खुदसर हो गई हैं, हर काम में अपनी मर्जी। एक हम थे, माँ बाप के आगे सर झुका देते थे, कभी मुंह नहीं खोला। दुकानों का किराया ले आया? फजूल में खौर किराया तुमने। किराएदार ने साफ साफ बोल दिया है कि वो किराया अब हमें नहीं देगा। तो फिर किसे देंगे? तुम्हारी उन भतीजियों को। उन्होंने उसे साफ साफ बोल दिया है कि नानी के घर से कोई लेने आया किराया तो सिर्फ उसी को देना। देखा तूने, कितनी चालाक निकली ये दोनों। हमें हवा भी नहीं लगने दी और दोनों बहने पहुंच गई दुकानों पर। क्यों ना पहुंचे, उनके बाप की दुकानें हैं। मुझे तो अब ये टेंशन होने लगी है कि अगर उनको पता लग गया कि ये घर भी उनके नाम है तो इस घर से भी हाथ धोना पड़ेगा। तू दिल जला रहा है मेरा। तो और क्या करूं, जो कुछ तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें दिया था वो तो तुमने जवानी में अपने मियाँ के साथ उड़ा दिया। अब अपने भाई के नाम के घर को अपना घर करके बैठी हुई हो और अपनी भतीजियों को कहानी सुनाती हो कि ये घर नाना ने तुम्हारे नाम किया था और दुकानें उनके बाप के नाम। शर्म तो नहीं आती ना तुझे अपने मरहूम बाप के बारे में ऐसी बातें करते हुए? बड़ी उनको रूह को सवाब मिलेगा। अरे जो कुछ हमने किया तेरे फायदे के लिए किया। बस बस रहने दो, फायदे के लिए किया। तुम लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया उसका ख्याल है तुम लोगों को? मेरे तमाम दोस्तों के अब्बा ने इतना कुछ बनाया हुआ उनके लिए जिस पे आज वो ऐश करते फिर रहे हैं। और एक मेरे अब्बा, जो कुछ नाना ने दिया वो भी गवा दिया। चुप कर जा, चुप कर जा। दीवारों के भी कान होते हैं, जबान को लगाम दे। अब सिर्फ लगाम ही रह गई है, बाकी बारात तो घोड़ों समेत गई अपने ननियाल। अच्छा हुआ चली गई, वरना तेरा भी दिल चाह रहा था कि घोड़ी चलकर बारात लेकर चला जा। ऐसे नहीं जाने दूंगा उनको। इस्लाम में चार की इजाजत है, एक तुम्हारी मर्जी से और एक मेरी मर्जी से। हेलो। हेलो शांजे, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बताइए क्यों कॉल की थी, खैरियत है? खैरियत ही है, बस मालूम करना था कि तुम्हारा वहाँ पे दिल लग गया या नहीं। फरहान, आपको हमारे बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूँ, आखिर तुम्हारा कजन जो हूँ। ये बात बताने के लिए आपने कॉल किया? अरे नाराज क्यों हो रही हो, नाराज तो मुझे होना चाहिए। किराया लेने गया था, किराएदार ने किराया देने से मना कर दिया। तुमने किराएदार को मना क्यों किया हमें पैसे देने से? वो दुकानें हमारी हैं और किराया भी हम अपनी मर्जी से ही लेंगे। अब आपको और पप्पो को हमारे बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। ओहो, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। मैंने सोचा कहां तुम लोग ख्वार होते रहोगे और तुम हो के। आपकी सोच से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। खुदा के लिए हमारे लिए अब सोचना बंद कर दीजिए। आप ही? किसका फोन था? फरहान का। वो क्यों फोन कर रहा है? कोई खास बात नहीं थी।
तुम जाओ ये फोन चार्ज पे लगा लो, बैटरी खत्म हो गई इसकी। ठीक है। सुनो, मामू जान कहाँ हैं? अपने रूम में है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ फोन चार्ज पे लगाओ, याद से लगा लेना। ठीक है। वो मामू जान, आप मुझे कह रही हैं? क्या मामू जान? नहीं, वो सुल्तान मामू। हाँ, वो बाहर गए हैं। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? मेरा मतलब है कि बाहर कॉल सुनने गए हैं, अभी आ जाएंगे। नहीं, मैं देख लेती हूँ। सुनिए, आप सबसे इतना डरती हैं? जी नहीं, यूं ही बस अपनी तसल्ली करना चाह रहा था। मुझ में कोई खास डरावनी बात नजर आती है आपको? नहीं तो फिर आप मुझसे इतना दूर क्यों भागती हैं? वो बस मैं कम बोलती हूँ। कहाँ यार, मेरे साथ तो आप बोलती नहीं है। शान से बेटा, क्या बात है? मामूजान, वो दुकानों का किराया ले आइएगा। ठीक है बेटा, ले आऊंगा। कब लाना? आज या कल, जब आपको टाइम मिले। ओके, ठीक। अच्छा एक बात तो बताओ, खुश हो ना तुम दोनों यहाँ? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं मामू जान। बेटा जो भी चीज चाहिए हो बिना झिझक उसका कह दिया करो, तुम्हारा अपना घर है, आ जाएगी। जी काश इतनी अच्छी ऑफर कोई हमें भी करवाए। तुम्हें ऑफर की जरूरत क्या है, तुम तो बगैर पूछे चीजें उठा लेते हो। मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, एमल, एमल, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। ये कैसा रहेगा? देखें, ये बहुत डार्क कलर है। तुम तो जानती हो फहद को हल्के रंग बहुत पसंद है, और अब तुम्हें खास तौर पर फहद की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा फिर आप खुद ही बता दें मैं क्या पहनूं, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। ये तो मुझे मालूम था, हमेशा की तरह आप ही निकाल दीजिए। ये देखो, ये वाला, ये अच्छा रंग है, इतना लाइट। हाँ अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर। चलो ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं रेडी हूँ, बस ये पहन के आती हूँ। ठीक है, ओहो बैटरी लो हो गई, मेरे पास तो चार्जर भी नहीं है। ये मेरे चार्जर पे अपना मोबाइल किसने लगाया? ओ वजीहा, ये हमारा फोन है, हम जल्दी जल्दी में चार्जर लाना भूल गए थे।
तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि जब किसी की चीज इस्तेमाल करते तो सबसे पहले उसे इजाजत लेनी चाहिए। I'm sorry. फोन चार्ज हो जाएगा तो मैं तुम्हारा चार्जर वापस कर दूंगी। हाँ, तुम्हारी तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आनी होती है ना, जो फोन चार्ज करना इतना जरूरी है। और वैसे भी जिस इलाके से तुम लोग बिलोंग करते हो ना, उस इलाके से तो पता नहीं किस किस की कॉल आती होंगी। जबान संभाल की बात करो, हम ऐसे नहीं है। और अगर तुमने अब कोई ऐसी वैसी बात की ना तो मैं नाने जान से शिकायत कर दूंगी। हाँ, तुम लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है, जरा जरा सी बात पर बातों को बतंगड़ बनाना कोई तुम लोगों से सीखे। और आता ही क्या है तुम्हें? तुम्हें क्या आता है, ये भी तुम अच्छी तरीके से जानती हो। ओके फाइन, मुझे क्या आता है ये मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये आता है मुझे दिया। वजिया, क्या किया है ये तुमने? गरत का फोन तोड़ दिया तुमने? नहीं अम्मा जी, मैं तो अपना चार्जर निकाल रही थी। वो तो झूठ मत बोलो, तुम बच्चियों के साथ इस तरह का सुलूक क्यों कर रही हो? आयशा की दुकानों का किराया है, मैं शांजे को ही देने जा रहा था। ये क्या बात हुई? वो रहेंगी हमारे घर, सारे खर्चे हम करेंगे, सारी जिम्मेदारियां हमारी, उनके पैसे उनके और हमारे पैसे भी उनके। आज के दौर में अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर कौन किसी को देता है? देखें, पापा मेरे लिए नया फोन लेकर आए हैं। ये तुम्हारे लिए नहीं है, शांजे और किरत के लिए है।